एक सवाल है YouTube पर कि इंडिया में स्टूडेंट्स के कुछ इम्तिहानात हो रहे हैं, ये कई लोगों ने ये सवाल पूछा है, इसलिए अच्छा मैं नाम नहीं लूँगा किसी एक का, लेकिन कई ने पूछा कि बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं, तो वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या करें, क्या तैयारी करें अपने इम्तिहानों में सिलेबस के अलावा, अल्लाह पाक से कैसे दुआ करें। बिल्कुल। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। ये अच्छा सवाल है, बिल्कुल सिलेबस के अलावा बता रहा हूँ, सिलेबस की तैयारी तो करनी है मेहनत तो करनी है, आपको पढ़ना ही होगा। और मैं हमें हर स्टूडेंट को कहा करता हूँ, डेली सिर्फ 2 घंटे जमकर स्टडी कर लिया करें घर में, कभी परेशान नहीं होंगे। बच्चे हर वक्त वीडियो गेम में इधर उधर लगा देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। आप आफ्टर मगरिब में 2 आवर जो है बच्चे जो अपनी तालीम पे लगा लें, अपना पूरा होमवर्क स्टडी दाएं बाएं स्किल्स के लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें मुताला करने, 2 आवर सिर्फ, और बाकी आप जो अपना फन करें, खेलें कूदें, आपका भी नाकाम नहीं होंगे। लेकिन अफसोस है कि आज बच्चे 2 घंटे भी देने को तैयार नहीं है, और पढ़ने वाले 2 घंटों से ज़्यादा भी देते हैं, रातों रात जागते हैं। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। उसके लिए बहुत मुजर्रब वजीफा है, असर के बाद और फजर के बाद या आलिमू 150 दफ़ा और या नासिरू 21 दफ़ा, या आलिमू 150 दफ़ा 150 टाइम, या आलिमू और या नासिरू 21 टाइम या नासिरू, ये पढ़ के जो है दुआ करनी है। और जो वो अगर बच्चा करीब है उसके ऊपर दम कर दें या पानी दम करके पिला दें, और बच्चे स्टूडेंट खुद भी ये अमल कर सकते हैं, तो गोया कि फजर असर के बाद यकीनन कामयाब होंगे। बहुत मुजर्रब है, पढ़ाई में दिल भी लगेगा, जो पढ़ा याद भी रहेगा, और बर वक्त जो इम्तिहान के बाद याद भी आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त याद आ जाए, और ये बड़ा मुजर्रब है। मैं सब स्टूडेंट जो भी इंडिया के अंदर क्या दुनिया भर में जाएँ जिनके इम्तिहान हैं, सब स्टूडेंटों के लिए दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में उनको नुमाया कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।